हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रयान। तो होली के मौके पे एक बहुत ही ऑसम ट्रैक मैंने बनाया है और एक बहुत ही कमाल की कार आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूं। तो भाई ये हमारी लैंड क्रूजर आरसी कार। गाइस आप लोगों को पता ही होगा ये कार एक ऑफ रोड कार है और इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी कार्स है, आज वो कार्स भी बताऊंगा। और आज जो मैंने ट्रैक बनाया है पूरा का पूरा ट्रैक जो है होली के कलर्स को यूज करके ही मैंने बनाया है। देखते हैं गाइस आज ये कार क्या हमारे ट्रैक के ऊपर चल पाएगी या फिर नहीं। सच बता रहा हूँ गाइस आज की वीडियो में भाई हम लोग धमाल मचाने वाले हैं। चलो गाइस पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, इधर आ जाओ। तो भाई साहब ये डिब्बे को रखते हैं यहाँ पे। गाइस आज मैं जो ट्रैक के ऊपर कार चलाने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा कलरफुल है होली के कलर्स के जैसे ही। बहुत सारी सुपर कार्स भी मैंने ले ली है ट्रैक के ऊपर चलाने के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे बार बार बोलते रहते हैं कि सुपर कार्स को भी ट्रैक के ऊपर चलाना चाहिए। तो ये सारे के सारे सुपर कार्स है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक फेक लैंड क्रूजर भी है भाई, ये बिल्कुल भी ऑफिशियल लाइसेंसड नहीं है। और आज इसके बीच में और ये हमारी जो नई लैंड क्रूजर है इसके बीच में मैं कंपैरिजन करूंगा। साथ में गाइस एक बहुत बड़ी ऑफिशियल लाइसेंसड लैंड क्रूजर भी है मेरे पास, ये भी टोयोटा की है। इसका साइज देखो गाइस कितना ज्यादा मैसिव है, ऑफ रोडिंग में बहुत मस्त तरीके से चलती है। आज देखते हैं गाइस क्या टोयोटा लैंड क्रूजर का छोटा वाला वर्जन बिल्कुल सही तरीके से आज ट्रैक के ऊपर चलेगा या फिर नहीं। एक और चीज, ये कार छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, एज 14 प्लस क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो। चलो गाइस पहले बॉक्स दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। पीछे एग्जॉस्ट में से धुआं भी निकलने लगता है जैसे कि रियल कार में निकलता है। इसकी चासिस बहुत मस्त तरीके से बनाई गई है। ठीक है, बॉक्स को यहाँ से मैं ओपन करने वाला हूँ। आपने अभी तक इस वीडियो पे लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर देना। ये इसकी यूजर गाइड है, यहाँ पे FJ40 बोल के लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक अलग बॉक्स है, ये एक अलग बॉक्स है। इसके अंदर मिलती है कार और इसके अंदर मिलता है इसका रिमोट कंट्रोलर। तो पहले मैं आपको इसकी कार दिखा देता हूँ। तो अच्छे से रैप होके आई है ताकि कार बिल्कुल भी डैमेज वगैरह ना हो सके ट्रांसपोर्टेशन में। ये हमारी कार है, ओ माय गॉड। एक बार इसके साइड में मैं आपको रख के बता देता हूँ, भाई साहब क्या ही डिजाइन है, क्या ही लुक है। और इसका कलर देखो यार, मेरे को काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। सामने टोयोटा की बैजिंग आप देख सकते हो, हेडलाइट है, इसके अंदर ही इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं, साइड में भी इंडिकेटर्स आप देख सकते हो। इसको ओपन करेंगे तो इसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी पीछे के डोर्स भी इस तरीके से ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा टायर इसके अंदर लगा हुआ है। यहाँ पे देखो यार, बताने के लिए आपको बहुत सारी चीजें हैं। ये इसका बैटरी पैक है, यहाँ से हम इसको चार्ज कर सकते हैं। टाइप सी पोर्ट इसके अंदर लगा हुआ है। इसके अंदर एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड से ही देखो गाइस यहाँ पे इसका ये जो पाइप है इसके अंदर से स्मोक निकलने लगता है जैसे हम कार को ऑन करते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में मैं आपको कंपैरिजन करके बता देता हूँ। ये इसका कॉपी वर्जन है, यानी कि ये भाई मैंने बहुत ही सस्ते में खरीदा था मार्केट से, लगभग इसको मैंने 1500 रुपीज़ में खरीदा था और इसका प्राइस है 5000 रुपीज़। इसके अंदर लाइट्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा कमाल की दी गई है। और गाइस इन दोनों के अंदर एक बहुत ही मेजर सा फ़र्क है, वो है टू व्हील ड्राइव फोर व्हील ड्राइव। ये कार टू व्हील ड्राइव पे चलती है और इसके अंदर फुल्ली प्रोपोर्शनल स्टीयरिंग भी नहीं दी गई है, ये दिख रही है। और इसके डोर्स भी ओपन नहीं होते हैं, ना तो पीछे का डोर इसका ओपन होता है और इसके अंदर सस्पेंशन भी नहीं लगाया गया है। बाकी इसके अंदर जो फीचर्स दिए गए ना भाई, इसके अंदर जो कमाल कमाल की चीज़ें दी गई है वो इतनी बड़ी टोयोटा लैंड क्रूजर के अंदर भी नहीं दी गई है। इसका प्राइस है 45,000 रुपीस और इसका प्राइस है 5,000 रुपीस। बाकी और भी सुपर कार्स मैं आपको बताऊं तो देखो गाइस ये है हमारी लैम्बोर्गिनी सियान FKP। भाई इसका लुक तो देखो यार कितना ज्यादा मस्त है। ये है हमारी बुगाटी वेटिसी, ये भी ऑफिशियल लाइसेंसड आरसी कार है, दिखने में तो भाई काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। ये भी एक लैम्बोर्गिनी कार है और मेरे पास बेंटली कॉन्टिनेंटल GT सेडान भी है। चलो गाइस इन सबको चलाते हैं ट्रैक के ऊपर, देखते हैं आज के ट्रैक पे कौन सी कार जीतती है। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों आज का ट्रैक जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग बुगाटी को चलाएंगे। तो उससे पहले ट्रैक दिखा देता हूं मैं आपको। यहां पे मैंने तीन रंग बिरंगे स्पीड ब्रेकर्स बना दिए हैं होली के कलर्स को यूज़ करके। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्पीड ब्रेकर की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है कि जितनी भी कार जो है यहाँ पर चलने में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तीन स्पीड ब्रेकर्स तो यहाँ पे बन चुके हैं। उसके बाद देखो गाइस अगर हमारी कार स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से निकल जाती है तो उसको आना पड़ेगा ये गुलाल वाले ट्रैक के ऊपर। भाई यहाँ पे मैंने काफ़ी मोटी गुलाल की परत लगा रखी है ताकि कार्स यहाँ पर आकर फंस सके। ये देखो गाइस इतनी लंबी ट्रैक है गुलाल की। के बाद हम लोग देखो यहाँ आग में कार्स को चलाने वाले हैं। मेरे को लग रहा है गाइस भाई
या तो काफी ज्यादा लग रही है। तो आग में से निकलने के बाद हमारी कार को देखो यार, जंप लगा के इन कैंस को नीचे गिराना होगा। नीचे यहाँ पे भी मैंने बहुत सारा कलर डाल रखा है, एकदम फुल कैंस को मैंने यहाँ पे रख दिया है। कार्स को ये सारे के सारे कैंस नीचे गिरा के आना पड़ेगा ये येलो कलर के पहाड़ के ऊपर। भाई यहाँ पर आकर कार जो है फंस भी सकती है। अगर कार यहाँ से निकल जाती है तो कार को आना पड़ेगा ये रास्ते के ऊपर। यहाँ पे मैंने बहुत ही तगड़े वाले बलून्स लगा रखे हैं और इनके अंदर भी देखो गाइस मैंने एकदम रंग बिरंगा कलर डाल रखा है। तो ऑलमोस्ट देखो गाइस जैसे ही बलून फूटेगा कार जो है भाई ये ट्रैक से बाहर भी जा सकती है, ट्रैक से आउट होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो उसके बाद देखो गाइस यहाँ पे मैंने एक एल टोरो मॉन्स्टर जैम कार को भी रख दिया है। हमारी कार को यहाँ से नीचे निकलना पड़ेगा। नीचे निकलने के बाद हमारी कार आएगी ये रैंप के ऊपर। यहाँ पे मैंने रंग बिरंगे कलर्स लगा रखे हैं। हमारी कार को ये चारों ग्लासेस को नीचे गिरा के ये रैंप के ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो कार जैसे ही यहाँ से निकलेगी कार को आना पड़ेगा ये बड़े से रैंप के ऊपर। यहाँ पे रैंप के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे भी है। अगर कार यहाँ तक पहुंच जाती है तो गाइस वो होगी आज के ट्रैक की विनर। देखते हैं गाइस आज कौन जीता है ट्रैक के ऊपर। तो चलो गाइस चलाते हैं हमारी बुगाटी सुपर कार को, देखते हैं ये हमारे होली के ट्रैक के ऊपर से आज कितनी दूर तक चल पाएगी। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये चला रहा हूं। ओ भाई क्या ही खतरनाक है यार, यहाँ पे देखो इसने क्या ही हालत कर दी है सारे के सारे स्पीड ब्रेकर्स की। ओ माई गॉड। ओ गाइस ये तो ट्रैक के ऊपर से गिरते गिरते बच चुकी है। देखते हैं अब ये क्या ऐसे ही आगे बढ़ पाएगी या फिर नहीं। ओ माय गॉड ये तो इधर आकर फंस गई है यार, तो आगे जा रही है ना तो पीछे आ पा रही है। तो सैडली मेरे को भी इसको ट्रैक से बाहर करना पड़ेगा। ओ ये देखो ये दोनों टायर्स गुलाल में फंस गए थे, तो अब मेरे को नहीं लगता गाइस ये चल पाएगी। इसको हटाते हैं अभी। अब मैं चलाने वाला हूँ ट्रैक के ऊपर लैम्बोर्गिनी सियान को। देखते हैं यार ये कितनी दूर तक चल पाती है। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इनको होली के ट्रैक के ऊपर चलाने में। ओके स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। बूम भाई क्या ही कलर उड़ा दिया यार इसने। ओ भाई इसके टायरों के ऊपर तो पूरा गुलाल चिपक चुका है। अभी आगे देखो बहुत ही खतरनाक सी आग भी लगेगी। अरे बाप रे इसकी लपटें देखो कितनी दूर तक आ रही है। फिर भी मैं इसको चलाने वाला हूँ गाइस, फुल स्पीड में चला रहा हूँ। ये देखो निकल चुकी है। ओ माय गॉड कैंस गिर चुके हैं यहाँ पे। तो यार हमारी ये जो कार है इतनी ज्यादा पावरफुल है कि देखो पीछे जो आग लगी थी इसने कम्प्लीटली आग को बुझा के रख दिया है। अब देखते हैं जिससे आगे बढ़ पाएगी या फिर नहीं। ओ तेरी भाई इसको क्या हो गया। यहाँ पे देखो जिसके साथ एक सीन हो चुका है, इसका सामने का टायर जो है ये ब्लू कलर के कलर में आकर फंस चुका है पूरी तरीके से। अभी मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बिल्कुल भी आगे नहीं जा पा रही है। ये सिर्फ टू व्हील ड्राइव पे काम कर रही है। अगर इसके सामने के टायर में भी पावर होती तो आराम से यहाँ से निकल के चली जाती। सैडली हमारी लैम्बोर्गिनी सियान भी ट्रैक से बाहर हो चुकी है दोस्तों। तो गाइस अब चलाते हैं ये वाली कार को। यार मेरे को तो पता है कि ये लैम्बोर्गिनी है, पर कौन सी लैम्बोर्गिनी है आपको पता है तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना। बहुत स्पीड में मैं इसको यहाँ से निकालने वाला हूँ, ठीक है। ये देखो गाइस इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा है, ठीक है। इधर तक आ चुकी है, यहाँ पे आग भी लग चुकी है। ओ यार सैडली इसके साथ भी एक बड़ा कांड हो चुका है। ये देखो गाइस मैं इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये कार बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है। एक और बार मैं आपको बताता हूँ इसके साथ क्या हुआ है। अच्छा अब मेरे को समझ में आया है, इसके नीचे जो मोटर है ना भाई इसके अंदर आग लग गई थी थोड़ी देर के लिए। आग भाई इसको काफी ज्यादा इफेक्ट कर चुकी है, तो इस वजह से हम लोगों को इसको भी ट्रैक से बाहर करना पड़ेगा। तो अब मैं चलाने वाला हूँ बेंटली कॉन्टिनेंटल जीटी को। भाई इसका तो कलर एकदम वाइट है, देखते हैं क्या ये चल पाएगी या फिर नहीं, या फिर इसके ऊपर पूरा कलर पुत जाता है। दोस्तों ये बेंटली तो काफी स्मूथली चल रही है। ओके यहाँ पे आग लगाने वाला हूँ मैं, ये आग लग चुकी है। अरे नहीं ये क्या हो गया गाइस, जैसे ही इसके नीचे आग लगी है इसकी स्टीयरिंग थोड़ी सी अनकंट्रोल हो गई थी। मैं इसको राइट को टर्न कर रहा था पर ये अचानक से लेफ्ट को आ चुकी है। सैडली गाइस ये सुपर कार भी ट्रैक से बाहर हो चुकी है। इतनी देर से मैंने इतने ढेर सारे सुपर कार को चला दिया है ट्रैक के ऊपर, पर एक भी कार जो है सही तरीके से ट्रैक के ऊपर नहीं चल पा रही है। अब मेरे को ऑफ रोड कार्स को ही लाना पड़ेगा ये ट्रैक के ऊपर चलाने के लिए। तो अपनी लैंड क्रूजर की कॉपी है, देखते हैं ये आग में जाने के बाद आगे चलती है या फिर रुक जाती है। ये चलने लगी है हमारी कार, देखो गाइस काफी आराम से ये चल रही है। बाकी गुलाल में भी काफी अच्छे से चल रही है क्योंकि इसके टायर्स काफी ज्यादा बड़े साइज के हैं। ठीक है अब यहाँ पे आग लग चुकी है गाइस, चलो इसको चलाते हैं, देखते हैं आग में से ये चल पाएगी या फिर नहीं। अरे यार थोड़ा सा मैं इसको पीछे लेके एकदम फास्ट निकालने के लिए ट्राई करूंगा। अबे भाई ये क्या हो गया इसके साथ, ये तो बीच आग में आकर रुक चुकी है, ये ना तो आगे जा रही है ना तो पीछे आ पा रही है।
ओ माय गॉड, ओ भाई वापस से चलने लगी है। उसके बाद ये देखो गाइस, इसके अंदर एक बड़ा सा कांड हो चुका है। पीछे की तरफ यहाँ से ये थोड़ा सा पिघल चुकी है, नीचे भी यहाँ पे अरे बाप रे, मोटर के अंदर से भी ऑयल निकलने लगा है। इसका मतलब ये है कि इसकी मोटर अंदर की तरफ से जल चुकी है। तो इसको भी हटाते हैं ट्रैक से बाहर। अब मेरे पास सिर्फ ये एक कार बची है, वरना मेरे को पार्ट टू वाला वीडियो भी बनाना पड़ेगा होली वाले ट्रैक का। चलो गाइस इसको चलाते हैं आगे। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये कार के अंदर फुल्ली प्रोपोर्शनल स्टीयरिंग है यार, इस वजह से देखो इसकी कंट्रोलिंग मेरे को काफ़ी सही लग रही है। भाई साहब काफ़ी आराम से निकल के आ चुकी है। अब मैं इसको गुलाल में चलाने वाला हूँ। गुलाल में भी बहुत मस्त तरीके से चल रही है। तो यहाँ पे लग चुकी है आग, देखते हैं अब ये चल पाएगी या फिर नहीं। मैंने इसको आग पे चलाया, इसकी भी स्टीयरिंग थोड़ी सी अनकंट्रोल हो गई थी। काम करते हैं अब थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं, बाकी के कैन से गिरा पाएगी या फिर नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। ये और दो कैन बचे, ये इसने गिरा दिया है गाइस। एक और कैन बचा है, ये देखो इसको भी इसने पलट के रख दिया है। अब देखते हैं गाइस क्या है, ये कलर में से ये निकल पाएगी या फिर नहीं। ओ निकल गई भाई, क्या ही चल रही है यार। अब देखो गाइस इसको पंचर करने पड़ेगा ये बलून्स को, देखते हैं ये पंचर कर पाएगी या फिर नहीं। अब मैं इसको चलाने वाला हूँ। ये एक बलून को भाई इसने फोड़ के रख दिया है, दूसरा बलून भी गया, तीसरा बलून भी फट चुका है। ओके देखते हैं अब ये एल्टोरो के नीचे से निकल पाएगी या फिर नहीं। ओ भाई ये तो नहीं निकल रही है, इसकी छत आकर यहाँ से टकरा रही है। देखते हैं गाइस क्या ये इतनी बड़ी कार को आगे ढकेल पाएगी या फिर नहीं। ये देखो भाई साहब क्या ही पावर है यार इसके अंदर, इसने तो भाई इसको काफी आराम से ढकेल के रख दिया है। देखते हैं इससे आगे और ये ढकेल पाएगी या फिर नहीं। आराम से ढकेल रही है गाइस। ओके इधर आकर ये रुक चुकी है, मेरे को नहीं लगता गाइस इससे ज्यादा ये ढकेल पाएगी। भाई मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी कार को भी इतनी आसानी से ढकेल सकती है। बाकी ये जो कार है इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, ऐसे ही आगे बढ़ाने वाला हूँ मैं। और इसने ये ग्लासेस को भी गिराना चालू कर दिया है, ढकेल के इसने ऑलमोस्ट सभी के सभी कलर वाले ग्लासेस को नीचे गिरा ही दिया है। अब ये सबसे खतरनाक सीन होने वाला है इसके साथ। ऊपर चढ़ाने वाला हूँ, देखते हैं इसके आए ऊपर चढ़ पाएगी या फिर नहीं। इसके टायरों के ऊपर बहुत सारा कलर लगा हुआ है। ओ भाई देखो गाइस क्या ही ताकत है यार ये कार के अंदर। फाइनली हमारी कार इतनी ज्यादा मुश्किलें पार करके यहाँ तक पहुँच चुकी है। और गाइस ये है आज की विनर, एक बार इसकी हालत को देखो भाई, यहाँ से ये जल गई थी फिर भी देखो कार मस्त तरीके से चल रही है। अंदर की तरफ बहुत सारा पानी भी जा चुका था फिर भी हमारी कार चल रही है। इसके टायर्स के ऊपर इतना ढेर सारा कलर चिपक चुका है फिर भी देखो गाइस इतनी ऊपर चढ़ाई करके ये यहाँ तक पहुँच चुकी है। अगर इसके प्लेस में कोई दूसरी कार होती तो यार वो जल जाती या तो फिर वो खराब हो जाती। मान गए यार टोयोटा कार की बिल्ड क्वालिटी को। बाकी इसको मैंने पूरा का पूरा क्लीन कर लिया है, अभी देखते हैं क्या इसके सारे के सारे फीचर्स वापस से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि यार इसको मैंने बहुत भयंकर तरीके से आग में चलाया है। ओ देखो गाइस इंडिकेटर्स तो बहुत सही तरीके से काम कर रहे हैं, बाकी इसके पाइप में से प्रॉपर तरीके से स्मोक निकल रहा है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आज की वीडियो में आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा बेस्ट, सबसे ज्यादा तगड़ी लगी, नीचे कमेंट करो। चलो गाइस अभी मैं दूंगा शाउट आउट। पहला नाम है शुभदीप, रितेश, विश्वजीत, आर्यन, आरिज, अद्विक, हुनैन, रमन, मुनीब, साकिब। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।